कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से उर्वरता उत्पादन एवं विपणन के साथ मिट्टी की उर्वरता तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत है और बेहतर कृषि एवं किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सदैव प्रभावी कदम उठाए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान नवीनतम कृषि तकनीकी एवं सक्षम उत्पादों का उपयोग ही है। इफको ने किसानों की संस्था होने के नाते अपने दायित्व और कृषि की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नैनो तकनीक आधारित और विश्व स्तर पर पेटेंटेड स्वदेशी नैनो यूरिया उत्पाद तैयार किया है, जिसका विकास नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर NBRC इफको कलोल गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। नैनो यूरिया पर कार्य करने के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. परंपरागत नाइट्रोजन उर्वरक की जगह बेहतर उपयोग दक्षता एवं प्रभावी तकनीकी वाला पोषक विकल्प प्रदान करना। 2. यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध प्रयोग को कम करना। 3. अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना। और 4. नाइट्रोजन के संतुलित और बेहतर प्रयोग के द्वारा मिट्टी, वायु व जल प्रदूषण को कम करना। नैनो तकनीक द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषकता प्रदान करते हैं। ये कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी बढ़वार और विकास के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है। वर्तमान में किसानों द्वारा फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग पूरी तरह से फसलों द्वारा नहीं कर पाने से वायु, मृदा और जल प्रदूषण द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नैनो यूरिया यूरिया के दानों की तुलना में अति सूक्ष्म एवं प्रभावी होने से समान रूप से पौधे के सभी भागों में वितरित होकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होता रहता है। पत्तियों पर छिड़काव करने पर इसे आसानी से सीधे या स्टोमेटा के माध्यम से आंतरिक क्रियाओं द्वारा पौधे की आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, अमीनो एसिड आदि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। प्लांट सेल वाक्याल में संग्रहित नैनो नाइट्रोजन संयंत्र की जरूरत के अनुसार धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध होता है। बेहतर परिणाम के लिए नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर बोतल का प्रयोग फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर किया जाना चाहिए। पहला छिड़काव फसल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में तथा दूसरा छिड़काव फूल निकलने से पहले की अवस्था में करना चाहिए। इफको नैनो की 500 मिलीलीटर बोतल द्वारा यूरिया के प्रयोग में कम से कम एक बैग की कमी की जा सकती है। इससे मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर उत्पादन भी प्राप्त होता है। इफको नैनो यूरिया का उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलों, टर्फ, घास जैसी सभी प्रकार की फसलों में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इफको नैनो यूरिया का मूल्यांकन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 द्वारा जारी नैनो एग्री इनपुट के मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है, जो कि DBT भारत सरकार और FCO 1985 भारत सरकार द्वारा ICAR, KVK और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में संस्तुतियों पर आधारित है। सभी परीक्षणों द्वारा ये भी प्रमाणित किया गया है कि इफको नैनो उत्पाद फसल, किसान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनके प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो, अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के साथ बाकी मांग एवं अंधाधुंध प्रयोग को भी कम किया जा सकेगा। इफको नैनो यूरिया के प्रयोग के और भी कई फायदे हैं। नैनो फर्टिलाइजर एक लागत प्रभावी समाधान है, जो सब्सिडी वाली यूरिया के एक बैग के। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार भट्टाचार्य जी। सर नमस्ते। नॉर्थ ईस्ट का शीर्षक में आपको स्वागत है सर। नहीं नहीं, स्वागत आप सभी का है। बिल्कुल सर, आपका आवाज एंड ये सब क्लैरिटी से आ रहा है। अनुपम जी, थोड़ा आप देखे साहब का। हाँ ठीक है, ठीक है ना। ओके साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर रेलिया साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका इस सब जो सेशन है नोटिस के लिए बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनुपम जी, प्लीज साहब का भी थोड़ा देख लीजिए आवाज एंड क्लैरिटी। हाँ सर,
एवरीथिंग इज ओके ना? ओके सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट. नहीं, प्लीज स्टार्ट. डॉक्टर डेका सर, yes yes I am here only, go ahead. Okay sir, fine sir. Tripathi sir, yeah, go ahead. Tripathi sahab namaskar. Namaskar, I am here. BC sahab ko bhi namaskar. Namaskar. So we are on time and Anupam, live streaming shuru hone se aap bata do, main shuru kar lunga. Haan sir, live streaming shuru hai, aap boliye. Shuru hai na? Okay. Namaskar. I welcome all the panelists and the viewers to this wonderful session. मैं अजीत भट्टाचार्य, IFFCO का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेज का प्रबंधक, आप सभी को इस सेशन में स्वागत करता हूं. आप सभी जानते हैं कि मेरा संस्था IFFCO यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड विश्व के सबसे बड़ा खाद प्रस्तुतकर्ता एक संस्था है. सो फर्टिलाइजर इज द ब्रेड एंड बटर फॉर आस. फिर भी आज हम लोग ऐसा एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे जिससे खाद का इस्तेमाल कम हो, और वो है नैनो फर्टिलाइजर. तो दोस्तों, आज का इस सेशन में हमारा साथ जो पैनलिस्ट है उनसे हम आप लोगों का परिचित कराएंगे. सबसे पहले हमारा साथ है आदरणीय डॉक्टर बीसी देका सर. सर वेलकम टू दिस सेशन. डॉक्टर डेका जो असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, और बिफोर बिकमिंग द वाइस चांसलर वो एयू और आईसीएआर का काफी सारा बड़े बड़े पदों को अलंकृत किया था. इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ऊपर बहुत सारे काम किया. He is having more than 125 research papers, 6 books, 20 book chapters, 34 technical bulletins and 1 patent. Dr. Deka has won 6 national awards. So I once again welcome you, sir, to this session. Then we have with us Dr. A.K. Tripathi, sir, who is the ICAR ki Atari Zone 6 and Zone 7 ka nirdeshak hai. पूरा नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट्स में कुल 90 केवी के रन करता है, और ये 90 केवी के का ये निर्देशक है. सर वेलकम टू दिस सेशन एंड स्पेयरिंग दिस टाइम फॉर अस. थैंक यू. वेलकम सर. देन वी हैव विद अस श्री योगेंद्र कुमार जी, जो IFFCO की मार्केटिंग डायरेक्टर है. इज अ वेरी वर्सेटाइल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, और इतना बड़ा एक खाद संस्था से जुड़े हुए बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी उसका लगातार निरंतर प्रयास रहा कृषि में ऑर्गेनिक्स का यूज कितना ज्यादा से ज्यादा किया जाए. सो नॉर्थ ईस्ट का इस प्रोग्राम में आपको हार्दिक स्वागत है सर. वी हैव विद अस डॉक्टर रमेश रेलिया, हु इज द जनरल मैनेजर नैनो टेक्नोलॉजी इन IFFCO. ही इज ऑल्सो ए साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी in St. Louis, USA. He has more than 75 research papers, 3 books, and 15 patents. Fortunately, Dr. Relia is also an entrepreneur, and he founded 2 companies in USA. Dr. Relia is the innovator of the first nano-based fertilizer, that is nano urea, which has been notified by Government of India. So I welcome you, sir, and at the very outset, I'll invite Dr. Relia sir कि आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये नैनो यूरिया जिसको आपने जन्म दिया, जिसका बोले तो पिता एक तरफ से आप हो, इसके बारे में हमारा दर्शकों को थोड़ा अवगत कराइए. डॉक्टर रेलिया सर प्लीज. थैंक यू ऑनरेबल अजीत भट्टाचार्य जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एवं डॉक्टर त्रिपाठी सर, डायरेक्टर अटारी, अनुज कोटोकी सर, ऑनरेबल मार्केटिंग डायरेक्टर सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट.
एंड मैं सभी किसान भाइयों का, बहनों का एवं सभी का मैं इफको की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा फार्मर एक फार्मर्स के साथ में। होप ऑल कैन सी द स्क्रीन। यस सर। ओके, सो किसान भाइयों नमस्कार। आज हम नैनो यूरिया के बारे में बात करेंगे। नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक फर्टिलाइजर है, नैनो फर्टिलाइजर। इस नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से नैनो यूरिया को डेवलप किया गया। नैनो टेक्नोलॉजी में हम ऐसी स्ट्रक्चर्स, ऐसे मॉर्फोलॉजीज का स्टडी करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। किसान भाइयों 1 नैनोमीटर इज ए 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर। 1 मीटर का 1/1000 भाग 1 नैनोमीटर होता है। तो इतने छोटे पार्टिकल्स बनाने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है प्लांट के ऊपर, कैसे ये नैनो यूरिया काम करता है और किस प्रकार के परीक्षण किए गए, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाइयों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम चाहे कोई भी पौधा उगाएं, चाहे घर में उगाएं चाहे खेत में उगाएं, हर प्रकार के पौधे को संतुलित वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और आवश्यक रूप से पौधे को करीब 14 से 17 प्रकार के रासायनिक तत्वों की जरूरत होती है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन सबसे अधिक जिस तत्व की आवश्यकता पौधे को फर्टिलाइजर के रूप में होती है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे को 1.5% उसका ड्राई वेट के कंटेंट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन होता है, जो अन्य तत्वों की मात्रा की तुलना में सबसे अधिक है। पौधे को नाइट्रोजन इसलिए सबसे अधिक मात्रा में चाहिए क्योंकि वह पौधे के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स, विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। जैसे कि पौधे के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां हमें हरी कलर की दिखाई देती है और वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करते करके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैरी आउट करती है, या अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के कंपोनेंट्स होते हैं, या जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए या आरएनए, ये सब स्ट्रक्चर्स, इनके जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनके स्ट्रक्चर का, उसका एक प्रमुख जो मेन फीचर है वह नाइट्रोजन है। किसान भाइयों आज हम जो नाइट्रोजन जो पौधे को देते हैं वो विभिन्न प्रकार के खाद उसके लिए हम उपयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया है। यूरिया उन सब में एक प्रमुख है। यूरिया आप इस बैग को देखकर रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे जो चावल की फसल के साथ में दिखाया गया है कि यूरिया जो है वो हमारे पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन जब हम इस यूरिया का अधिक या असंतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं तो ये हमारे पर्यावरण को, हमारे जमीन को या हमारे जल को और हमारी हवा को दूषित करता है। क्यों? क्योंकि जब यूरिया हम पौधों को देते हैं तो पौधे के द्वारा जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की जो क्षमता होती है पौधे की वो केवल 30 से 40% होती है। उसका कारण यह है कि जब हम ये दानेदार यूरिया पौधों को देते हैं तो यह हाइड्रोलिसिस होकर सोइल के थ्रू और देन इवेंचुअली प्लांट रूट के द्वारा इसको अपटेक करता है। और ये जब जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो यूरिया का जो रासायनिक रूप है वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जिस जैसे ही इसका रासायनिक रूप बदल जाता है पौधा इसको इफेक्टिवली अपटेक नहीं कर पाता क्योंकि वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके यूरिया का रासायनिक रूप परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होकर यदि ये नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में या अमोनिया के रूप में आ जाता है तो इसका इमिशन हवा में हो जाता है। हम सब जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है ग्रीन हाउस गैस के रूप में। और ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट जैसे जो प्रभाव होते हैं उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करती है। यदि जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर यदि यूरिया का अधिक मात्रा होती है तो वह मिट्टी के पीएच को इंपैक्ट करती है, मिट्टी के पीएच को एसिडिक बना सकती है। और जब मिट्टी का पीएच एसिडिक हो जाता है तो पौधा
को जो दूसरे अन्य आवश्यक तत्व जमीन के द्वारा लेने होते हैं पौधा वह भी संतुलित रूप में ग्रहण नहीं कर पाता है। और यदि बहुत अधिक मात्रा में है और वहां पर पानी है या हम पौधों को पानी पिलाते हैं यूरिया देने के तुरंत बाद या पहले, तो वो यदि हमारे जल पीने के पानी तक पहुंच जाता है या वाटर टेबल तक रिसाव के थ्रू पहुंच जाता है तो हमारे पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसे हम कहते हैं कि नाइट्रेट का पोल्यूशन बढ़ने से यदि उसका सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है और कॉन्स्टेंटली ड्रिंक करते हैं तो वो ह्यूमन हेल्थ में को भी अफेक्ट करता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की डिजीज भी कॉज कर सकता है। और आप जैसे पढ़े लिखे और किसान इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस बात के लिए अपील किया है कि किस प्रकार हम यूरिया के प्रयोग को हमें अपने खेतों में कम करना चाहिए। कम करने का मतलब उनका जो रेफरेंस है वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर के है, ह्यूमन हेल्थ के इंपैक्ट को लेकर के है, सोइल हेल्थ के इंपैक्ट को लेकर के है। उनका ये कहना है साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे कि किस प्रकार यूरिया का यूज एफिशिएंसी कम होने की वजह से ये हमारे सॉइल ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है। यह न केवल इंडिया के स्टेज पर है बट इंटरनेशनल लेवल पर भी यूरिया के कंपैरेटिवली किस प्रकार इसका यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टडीज कंटिन्यू है। इसी को देखते हुए इफको ने एक नए रिसर्च सेंटर नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इस रिसर्च सेंटर के अंदर इस प्रकार की खोज की जाती है, इस प्रकार के विषयों पर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किस प्रकार हम पौधों के द्वारा न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके और भविष्य में आने वाली और वर्तमान की कृषि की चुनौतियों से किस प्रकार निपटा जा सके, उनकी किस प्रकार उनको प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। इसी का एक उत्पाद है इफको नैनो यूरिया। इफको नैनो यूरिया जैसा कि आपने पहले भी देखा या पढ़ा होगा या सुना होगा कि इफको नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है और इस ये पौधों में नाइट्रोजन अपटेक एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और इसके प्रयोग से न केवल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ता है लेकिन इसके रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बेनिफिट्स हैं, सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और पौधों को इफेक्टिवली नाइट्रोजन तत्व प्रदान करता है। डियर फार्मर्स, जब हम बात करते हैं नैनो की तो एक नैनोमीटर जैसा मैंने पहले बताया एक मीटर का एक अरबवां भाग होता है, तो जब हम इतना छोटा कण बना देते हैं तो इसका अपटेक एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। आप तक लाने से पहले इस नैनो यूरिया को भारत के अंदर रिसर्च ट्रायल के लिए 2019 में लॉन्च किया गया और ट्रायल किया गया कि किस प्रकार ये नैनो यूरिया प्रभावी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आसपास भी किसी खेत के अंदर या आपके स्वयं के खेतों के अंदर भी इसका परीक्षण हुआ होगा। किसान भाइयों, जब हम इस बहुत छोटे नैनो यूरिया के कणों का यदि साधारण यूरिया के साथ तुलना करें तो साधारण यूरिया का जो आकार है वह करीब 1 से 3 मिलीमीटर आकार का होता है, लेकिन यदि नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया के कण का जो आकार है वह करीब 32 नैनोमीटर होता है। यदि इसकी भार की तुलना करें नैनो यूरिया का भार और साधारण यूरिया के भार की तुलना में तो नैनो यूरिया के करीब 55,000 कण और साधारण यूरिया का एक कण लगभग बराबर होता है। यदि इतनी बड़ी संख्या में और बहुत कम भार में यदि इनको नैनो यूरिया की प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो इनका जो सरफेस एरिया है वो साधारण यूरिया से करीब 10,000 टाइम्स अधिक होता है। जब इसका सरफेस एरिया 10,000 टाइम्स अधिक है तो इसका जो बायो इंट्रैक्शन है, इन नैनो पार्टिकल्स का जो इंट्रैक्शन है पौधे की पत्ती के साथ, तो वो बहुत अधिक होता है। पौधा इसको इफेक्टिवली अपटेक कर लेता है। इस नैनो यूरिया को पौधों के ऊपर स्प्रे करने के लिए 2 ml नैनो यूरिया का लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। जब हम इन नैनो यूरिया के पार्टिकल्स को पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पौधों की पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा या हाइड्रेथ्रोट्स नाम के स्ट्रक्चर्स के द्वारा पौधा इसको इफेक्टिवली अपटेक कर लेता है।
क्योंकि यूरिया के जो नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो यूरिया के, ये पॉजिटिवली सरफेस चार्ज्ड हैं और हमारे लीफ के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नेगेटिवली सरफेस चार्ज्ड होते हैं। तो इसलिए पौधा इनको बहुत इफेक्टिव तरीके से, एक तो चार्ज डिफरेंस की वजह से, दूसरा इनके छोटे आकार की वजह से, और दूसरा इनका सरफेस फंक्शनलाइजेशन की वजह से, नैनो इन पार्टिकल्स को पौधा इफेक्टिवली अपटेक कर लेता है, और अपटेक करने के बाद डिफरेंट ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म, जैसे कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म और सिंप्लास्ट ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म से ये सेल टू सेल या पार्ट टू वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट में, जहां पर पौधे को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये ट्रांसलोकेट हो जाता है, चाहे वो पौधे का दूसरी पत्तियां हो, नई आने वाली पत्तियां हो, दूसरी शाखाएं हो या जड़ हो, वहां पर ये ट्रांसलोकेट हो जाता है और बहुत इफेक्टिवली पौधे को ये कंट्रोल्ड रिलीज के द्वारा पौधे को नाइट्रोजन इफेक्टिवली प्रदान करता है। साधारण यूरिया के अंदर वो आयनिक रूप में पौधे के कोशिका के बाहर, पौधे के सेल्स के बाहर आयनिक फॉर्म में होता है, देन पौधा इसको नाइट्रोजन, अवेलेबल नाइट्रोजन के रूप में अपटेक करता है। इस केस के अंदर ये पार्टिकल फॉर्म में अपटेक होता है और अवेलेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन ये पौधे की कोशिका के अंदर रिलीज करता है, जिसके द्वारा पौधा इसको इफेक्टिवली मेटाबोलाइज कर पाता है। किसान भाइयों, इसका हमने विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में इसका टेस्ट किया और ऐसा पाया कि इस नैनो यूरिया के प्रयोग से हम साधारण यूरिया जो प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक उर्वरक, उसके उपयोग में करीब 50% तक की कम से कम कमी संभव है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ हमने 100% यूरिया का प्रयोग किया, दूसरी तरफ हमने 50% यूरिया का कम प्रयोग किया और उसकी जगह हमने नैनो यूरिया का प्रयोग किया। आप देख रहे हैं कि पौधे जहां पर 50% हमने यूरिया का कम प्रयोग किया, वहां पर ब्रांचेस अच्छी है, वहां पर पौधों का जो बाली है, गेहूं का, ये गेहूं का पौधा है, गेहूं का जो बाली है उसके अंदर नंबर ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन का वेट और जो स्ट्रेंथ है स्टेम का, डायमीटर से या नंबर ऑफ ब्रांचेस से, वह भी बहुत अच्छा है। किसान भाइयों, इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर आप तक लाने से पहले इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर इसका परीक्षण किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर भी है, ओपन फार्म एग्रीकल्चर है, सीरियल्स की क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, फ्लोरिकल्चर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फोटो से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिस कैन बी यूज्ड ऑन ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स फॉर द बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड द क्रॉप न्यूट्रिशन। एक एग्जाम्पल मैं साइट करना चाहूंगा जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इस नैनो यूरिया का प्रयोग किया गया। ये प्रयोग कृषि विज्ञान केंद्र केवी के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर एग्जीक्यूट किया, 2 ईयर्स के ट्रायल्स किया इसके अंदर, लॉन्ग टर्म ट्रायल्स वीट के ऊपर, और यहाँ पर ये पाया गया कि एक तरफ जहां पर आप T1 देख रहे हैं वहां पर कन्वेंशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो रिकमेंडेड डोजेस होती है उसको प्रैक्टिस किया गया, फार्मर प्रैक्टिस, जहां पर NPK या जिंक जिसे है जो है RDF के रूप में उसका प्रयोग किया, और दूसरी तरफ कंपोस्ट खाद और बायो फर्टिलाइजर और बायो स्टिमुलेंट लाइक सागरिका और 3 स्प्रे ऑफ नैनो यूरिया एंड नैनो जिंक का किया गया। और ऐसा पाया गया कि न केवल नैनो के इनपुट से, न केवल उसका कंपैरेबल रिजल्ट्स हाइट्स के रूप में, इफेक्टिव टीलर्स के रूप में, स्ट्रो यील्ड और ग्रेन यील्ड के रूप में मिला, बल्कि वहां पर फार्मर्स को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बेटर मिला। उसका एक रीजन ये भी था कि जो जहां पर फार्मर्स ने ये ट्रायल्स किया वहां पर उन्होंने उसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस भी करवाया क्रॉप का, क्रॉप का जो हार्वेस्ट था, और जब न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया गया तो ये पाया कि जहां पर हमने यूरिया का कम प्रयोग किया और नैनो यूरिया का प्रयोग किया, और जब उसको कंपेयर किया गया कन्वेंशनल प्रैक्टिस के साथ में, तो ये पाया गया कि जहां पर नैनो का प्रयोग किया वहां पर हमें जो ग्रेन हार्वेस्ट हुए उसके अंदर जो मिनरल्स कंटेंट है या न्यूट्रिएंट कंटेंट है लाइक फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनकी अमाउंट्स भी कंपैरेटिवली हायर मिली, जिसकी वजह से फार्मर्स को उसका प्राइस भी वहां पर बेटर मिला। इट इज नॉट ओनली इन द वीट, बट हमने इसको एप्पल के अंदर भी टेस्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का हमने जहां जहां ट्रायल्स किया उसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस किया। मैं 2 एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ,
जैसे कि एक एप्पल में भी हमने टेस्ट किया और एप्पल में भी हमने पाया कि न केवल ये फ्रूट के आकार को यूनिफॉर्म करता है, उसके कलर्स को यूनिफॉर्म करता है, बल्कि उसके अंदर मिनरल्स, उसके अंदर जो शुगर कंटेंट होता है या जो मिनरल्स कंटेंट होते हैं उसको भी ये इम्प्रूव करता है। तो नैनो यूरिया के प्रयोग से न केवल हम मिट्टी के स्वास्थ्य को बेटर बना सकते हैं बल्कि ह्यूमन के और एनवायरनमेंट के स्वास्थ्य को भी बेटर बना सकते हैं, क्योंकि इसे नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन कम होगा, अमोनिया का इमिशन कम होगा और ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इंक्रीज करता है। एक और बेनिफिट नैनो यूरिया का है कि जब हमने ये डिफरेंट ट्रायल्स किए तो हमने ये पाया कि नैनो यूरिया का एक बोतल का जितना इम्पैक्ट आता है उतना का उतना इम्पैक्ट एक बोरी यूरिया से आता है। तो दूसरी भाषा में एक बोरी यूरिया के बराबर एक आधा लीटर की नैनो यूरिया की बोतल का प्रभाव होता है। तो यदि इसका लॉजिस्टिक के रूप में या स्टोरेज के रूप में यदि हम बात करें, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, तो यदि इसका पैकिंग स्मॉल है लेकिन इसका इम्पैक्ट बराबर है तो इसका लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान है और इसको बहुत इजीली फार्मर्स तक भी पहुंचाया जा सकता है और फार्मर्स इसको अपने खेतों तक भी ले जा सकते हैं। डियर फार्मर्स, आप तक लाने से पहले नैनो यूरिया को भारत में 94 प्रकार की विभिन्न प्रकार की फसलों पर और 11,000 से अधिक फार्मर्स फील्ड के ऊपर इसका ट्रायल्स किया गया। इसको 20 से अधिक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एवं स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एवं कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसका परीक्षण किया गया। और यदि राष्ट्रीय एवरेज को हम देखें तो नेशनल एवरेज के अंदर ऑन एन एवरेज 8% का क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज नोटिस किया गया, जब करीब 50% कन्वेंशनल यूरिया जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उसके अंदर कमी किया गया। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया को दिस इज लाइक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इसको आप तक लाने से पहले इसका सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड एफिकेसी ट्रायल्स किया। ये सारे ट्रायल्स हमारे भारत सरकार की एक गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इस गाइडलाइन को रिलीज किया। इस गाइडलाइन के तहत इस नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया और जब इसके परीक्षण के तहत इसके जो परिणाम संतुष्टि के साथ जो परिणाम मिले उसके बाद और कंप्लीट इवेल्युएशन के बाद भारत सरकार ने किसानों के प्रयोग के लिए इस नैनो यूरिया के प्रयोग की अनुमति दी, जिसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिकेशन करके और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में इंक्लूड करके भी इसका परमिशन दिया गया। यदि हम समरी के रूप में देखें तो पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया की जो आवश्यकता है वो हमें कम होती है मात्रा के रूप में, लेकिन इसका प्रभाव साधारण यूरिया से अच्छा है पौधे के ऊपर। ये इफेक्टिव तरीके से नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है, इससे हम पौधे से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर पोषण के साथ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्थिक रूप से सस्ता है, जैसा कि कल इंट्रोड्यूस जो इवेंट था उसके अंदर जो प्राइस इसका बताया गया, दैट वाज अबाउट 240 रुपीज पर बोतल एंड वन बोतल इज एनफ फॉर 1 acre। सो दिस इज इकोनॉमिकली भी बेटर है, इकोनॉमिकली भी अफोर्डेबल है फार्मर्स के लिए एंड बिकॉज इट रिक्वायर लेस एंड प्रोड्यूस बेटर, सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द आवर एनवायरमेंट। ये हमारे मिट्टी, हवा और पानी और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, ऐसा OECD गाइडलाइंस के तहत जब इसका परीक्षण किया गया या DBT की गाइडलाइन के तहत परीक्षण किया गया तो ऐसा पाया गया। किसान भाइयों, ये हमारे जो जब हम खेती करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि पोलिनेटर्स, जैसे कि मधुमक्खी है या केंचुआ है या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसके साथ में भी इस फर्टिलाइजर का इंट्रैक्शन टेस्ट किया गया और ऐसा पाया गया कि ये उनके लिए भी सेफ है और इसको भी जो टॉक्सिसिटी सेफ्टी की गाइडलाइंस है DBT की उसके तहत परीक्षण किया गया और पाया कि उनके लिए भी सेफ है। इसी के लिए इसका परीक्षण ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस में भी इसका ट्रायल किया गया। समरी के रूप में नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर है, ये पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है, ये प्रयोग करने में बहुत आसान है, इसके 2 ml को लेकर 1 liter पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। आप तक लाने से पहले इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर 11,000 से अधिक लोकेशंस पर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में और KVKs में इसका परीक्षण किया गया। ये
भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित वर्ल्ड फर्स्ट नैनो फर्टिलाइजर है। नैनो पार्टिकल्स नैनो यूरिया का मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस की अनुपालना में किया गया है, जिसमें OECD की गाइडलाइन और DBT की गाइडलाइन प्रमुख है। ये नैनो यूरिया चूंकि इफेक्टिव अपटेक होता है इससे नाइट्रोजन का, तो ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एवं ह्यूमन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और उसके लिए भी बेनिफिशियल है। विद दैट मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इसके साथ यदि आपके कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक एंड हैंड ओवर द स्पीकर टू अवर SNM श्री भट्टाचार्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर अलिया जी फॉर योर वार्मिंग स्पीच, एंड वी विल डेफिनेटली फॉरवर्ड सम क्वेश्चंस, बट उसके लिए हम लोग एक अलग स्लॉट रखा है। तो जैसे व्यूअर्स के लिए मैं बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है मोर देन 95 क्रॉप्स में टेस्ट एंड ट्रायल किया गया है, और ये 11,000 से ज्यादा ट्रायल किया गया है। सर जी, सर क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखेंगे। जी सर एक एक करके सब क्वेश्चन का आंसर देंगे जब तक लोग। बिल्कुल सर तो मैं रिक्वेस्ट रखूंगा सर आपसे, कृपया आप जो है इस विषय पर थोड़ा आपका मार्गदर्शन करें सर प्लीज। ये भट्टाचार्य जी सर, ये क्वेश्चन बाद में आएगा। रमेश जी को मैं क्विकली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एक मतलब क्लैरिफिकेशन और बाद में। यस सर यू कैन प्लीज कर लीजिए सर। अच्छा तो रमेश जी एक बात काइंडली मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए, जैसे आपने बताया क्योंकि जैसे मान लीजिए धान का पेडी, जब हम पेडी करते हैं नॉर्मली क्या होता है, बेसल डोज फॉलोड बाय 2 स्प्लिट डोज, ठीक है। तो आपने जो 50% का जो बात बोल रहे हो, तो मान लीजिए हम बेसल डोज करना ही नहीं चाहते है, सारे हम तीनों डोज चाहते हैं, और स्प्लिट डोज के हिसाब से तो आपने बता ही दिया कि फोलियर स्प्रे करने से ठीक रहेगा, तो तब प्रोडक्टिविटी ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा बिना बेसिल डोज दिए हुए? सर ये जो नैनो यूरिया जो डेवलप किया गया है, ये एक्चुअली जब हम यूरिया का ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन करते हैं केवल उसके इसमें बेसल डोज एज सच रखना है। बेसल डोज जो फार्मर्स यूज करता है उसके अंदर चेंज नहीं करना है, केवल जो फोलियर ब्रॉडकास्ट करता है फार्मर्स यूरिया का उसको रिप्लेस करना है। हां समझ ओके थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चंस। एमकेडी साहब प्लीज आपका भाषण थोड़ा सभी नहीं, के मेरा कोई भाषण नहीं है सर। परम आदरणीय वाइस चांसलर साहब, बड़ी खुशी की बात है कुलपति महोदय हमारे बीच में हैं, डॉक्टर AK त्रिपाठी जी कृषि विज्ञान केंद्र जो है 90 उनके सुपरविजन में काम करते हैं, डायरेक्टर अटारी साहब, डॉक्टर रमेश रालिया साहब एक युवा उत्कृष्ट वैज्ञानिक, और हमारे स्टेट मैनेजर भट्टाचार्य जी कोटकी जी, और हमारे साथ जुड़े हुए सम्मानित सभी किसान भाइयों बहनों, और जो भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय के लोग हैं, रिसर्च के हैं, किसी भी रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और बहुत बहुत नमस्कार है। अभी डॉक्टर रालिया ने बड़े प्रभावशाली ढंग से नैनो के बारे में बताया है, नैनो यूरिया के बारे में बताया है। अभी हमको यहाँ ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक व्यवहारिक रूप से सही है कि इन्होंने नैनो DAP भी बना लिया है प्रयोगशाला में, और अपने खेतों में वहाँ पे NBRC के आसपास उसको प्रयोग भी किया, उसके भी बड़े अच्छे परिणाम हैं। प्रश्न बड़े रोचक आ रहे हैं, हम इसको बाद में लेंगे, लेकिन नैनो यूरिया के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ डॉक्टर आलिया ने नहीं छोड़ा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी जब डॉक्टर रालिया की स्पीच चल रही थी कि यहाँ पे आसाम में और जितने भी और लगे हुए कुल मिला के 8 जो प्रदेश हैं उनको अगर देखा जाए तो उर्वरक वहाँ पे करीब 4.5 लाख टन बिकता है कुल मिला के, जो कुल मिला के उर्वरक का जो बिक्री होती है वो 4.5 लाख टन होती है। साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उसके ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी असुविधा है, क्योंकि कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र हैं बहुत सारे, कहीं पे जो है वैसे भी आने जाने में दिक्कतें हैं। तीसरी बात मुझे ये लग रही थी कि अगर ऑर्गेनिक एरिया के रूप में इसको चिन्हित, मेरे ख्याल से
किया हुआ है और ज्यादातर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता भी है, क्योंकि हम लोग भी कुछ दूर तक गए हैं, अजीत लेके गए हैं अरुणाचल के कुछ क्षेत्र में, मिजोरम, सभी स्टेट्स हमने भी देखे हैं, मेघालय, सभी ज्यादातर ऑर्गेनिक करते हैं और करना भी चाहते हैं। लेकिन कई बार उनको कुछ ऐसी चीजों की कमी लगती है कि काश हमने यूरिया डाल ली होती तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती, या काश हमें जो है फास्फेट या पोटास में से कोई पोषक तत्व तो अलाउ होता, उसको हम डाल लेते तो हमारा उत्पादन बढ़ जाता। ऐसा किसानों में फीलिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें उनको लगती हैं कि किसी पोषक तत्व की या किसी चीज की कमी हो रही है, जिसको वो फिर ऑर्गेनिक रूप से पूरा नहीं कर पाते तो उनका उत्पादन भी घटता है और वहां के जो संसाधन है उनका उपयुक्त प्रयोग भी नहीं हो पाता, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक एक करके कुछ मुझे, मैं इंस्पायर हुआ, सिक्किम गया, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने इफको सिक्किम ऑर्गेनिक से ज्वाइंट वेंचर कर लिया और वहां पे 5 मुख्य फसलें हैं, उन 5 मुख्य फसलों का हमने प्रोसेसिंग का प्लांट लगाना शुरू कर दिया सिक्किम में। मैं अभी आता हूं उसी कॉन्टेस्ट में। तो जो मैंने वहां बात की किसानों की, वहां की औसत उपज देखी, वहां लार्ज कार्डिमम कभी बहुत बड़े क्षेत्रफल पे होता था, बहुत अच्छी पैदावार थी, साथ में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत था, लेकिन वहां कुछ फंगस अटैक हुआ धीरे धीरे करके, वो जो है उसकी पैदावार घट गई काफी। जब मैं गया था 2017 की बात बता रहा हूँ, पैदावार घट गई, लेकिन फंगस के कंट्रोल के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी ऑर्गेनिक रूप से, उस वजह से वो दिक्कत वहां पे हुई। अरुणाचल में भी सेम फीलिंग्स थी किसानों की गैदरिंग में हमने सबसे बातचीत की तो उनका भी था कि साहब कुछ ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनिक रूप से जिसमें जो है इन चीजों के नियंत्रण की व्यवस्था हो और जो पोषक तत्वों की फसल को आवश्यकता है उसकी पूर्ति यथासंभव की जाए, ऐसा मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। पता नहीं सही है गलत है, इसका आकलन जो है त्रिपाठी जी और वाइस चांसलर साहब कर सकते हैं। अब 4.5 लाख टन खाद में एक मजे की बात है, करीब 3,65,000 टन यूरिया डाली जाती और बाकी फास्फेटिक खाद पड़ती। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये मात्रा बहुत अधिक नहीं है, ये मात्रा बहुत सीमित है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा इनका प्रयोग नहीं करता है और उसकी उपलब्धता भी बहुत सीमित रहती है कुछ क्षेत्रफल में, ऐसा भी मेरा मानना है। अभी एक प्रयोग किया, त्रिपाठी जी चले गए, अभी आएंगे तब उस प्रयोग के बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जैसे वहां से आने के बाद में हम लोगों ने एक सीवीड एक्सट्रैक्ट आधारित उत्पाद पहले विकसित किया हुआ था, ICMCRI की टेक्नोलॉजी है, सीवीड एक्सट्रैक्ट आधारित एक ऐसा अनुपम उत्पाद दिया सागरिका के नाम से, और वो ग्रेन्यूल्स भी बनाया, उसमें 4 पोषक तत्व डाले और सारे ऑर्गेनिक रूप से लिए गए, उसका प्रयोग कराया गया, अच्छा परिणाम मिला। सागरिका लिक्विड का प्रयोग किसान भाई करने से पूर्ण ऑर्गेनिक है, और वैसा अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट आधारित कोई उत्पाद आप कहीं से दूसरी जगह से किसान लेगा तो उससे 2 से 2.5 गुनी कीमत लगानी पड़ेगी और गुणवत्ता उसकी कम होगी, ये निश्चित रूप से सत्य है। हम 500 रुपए का 1 लीटर देते हैं और विदेशी कंपनियां जो बेचती वहां पे 1200-1400 का, उनका सॉलिड होता है 14%, हमारा 28%। ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम किसानों की संस्था है, इसके मालिक भी किसान है, हम कोई प्रचार नहीं कर रहे, हम सत्यता बता रहे हैं। इफको जो बनी हुई है वो किसानों के पैसे से बनी हुई है, किसानों का पैसा सहकारी समिति में लगा है और ऐसी 36,000 सहकारी समितियों का पैसा इफको में लगा है, इस तरीके से इफको बनी है। हमारे पास कोई और काम नहीं, किसानों के लिए ही काम करना है। दूसरा, आप मेरी बात मत मानो, बाजार में घूम के देख लो कौन सा सीवीड एक्सट्रैक्ट आधारित उत्पाद इफको के टक्कर का है, आपको खुद पता चल जाएगा। जो भी दूसरे उत्पाद, अभी हमने सोचा कि फंगस है तो बायोपेस्टिसाइड से काम हो सकता है, कुछ फंगस का नियंत्रण किया जा सकता है, जैसा हम लोगों ने, फिर हमने डॉक्टर MS राव है बंगलोर के, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे मिल के हमने 3 जो है बायोपेस्टिसाइड बना डाले, बहुत अच्छा उपयोग है, कर्नाटक में बहुत अच्छी मार्केट है, वहां पे लोग लेते हैं, 100% ऑर्गेनिक है। अब वो बायोपेस्टिसाइड में हमने एक त्रिगुण बनाया, एक ऑलराउंडर बनाया, एक निरंजेल बनाया,
हमने सोचा कि कीटों की भी कुछ व्यवस्था करते हैं ऑर्गेनिक। तो जो निरंज जेल बनाया वो नीम और करंज का सत है, और बाकी जो बायोपेस्टिसाइड बनाए त्रिगुण, उसमें खास तौर पे निमेटोड्स की प्रॉब्लम जल्दी हल नहीं होती, बायोपेस्टिसाइड से हल होती, उसमें निमेटोड्स का भी और उसका बैक्टीरिया का भी और फंगस का, तीनों का निचोड़ बनाया डॉक्टर राव ने, और उसको बना के तैयार किया और वो हम लोगों ने शुरू किया। ये एक हमने सॉइल एप्लीकेशन का दे दिया, दूसरा एक हमने स्प्रे का दे दिया बायोपेस्टिसाइड, उसको ऑल राउंडर बोलते हैं, उसमें भी यही तीनों चीजें हैं। और तीसरा जो हमने सोचा कि कीड़े मकोड़ों को ऑर्गेनिक रूप से कैसे नियंत्रण किया जाए, उसका भी सोल्यूशन निकाला। ये थोड़ी पृष्ठभूमि में मैं गया। इसके बाद अभी ये लगा कि यहाँ काफी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत स्कोप है, बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, बहुत सारा अन्य फसलों की संभावना है, लोग करना भी चाहते हैं, और संसाधनों की भी मुझे नहीं लगता बहुत कमी है, खाली उनके उपयोग को, उसकी दक्षता, जैसे नहीं हम लोग न्यूट्रिएंट यूज इफिशेंसी कहते हैं उसी तरीके से वो इफिशेंसी भी बढ़ाने की थोड़ी जरूरत लगती है। फिर हम लोग नैनो पे गए, डॉक्टर आलिया ने अभी जो नैनो यूरिया बनाया है जिसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जगह मिली है, उसका भी ऑर्गेनिक प्रयोग हो रहा है। और किसने किया है? कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट ने किया है। अभी एक स्लाइड इन्होंने दिखाई थी, डॉक्टर अनिल यादव ने रेवाड़ी में, उसका भी जो मैं थोड़ा विस्तार करता हूं। डॉक्टर आलिया ने थोड़ा संक्षेप में बताया था कि इनको बहुत सारी स्लाइड कवर करनी थी, मुझे केवल एक ही स्लाइड कवर करनी है, या परमिशन देंगे तो दूसरी भी कर लेंगे। अब उसमें क्या किया डॉक्टर अनिल यादव ने, उसने सोचा कि सागरिका का वो पहले इस्तेमाल कर चुके थे, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल पहले से कर चुके थे, और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते थे। फिर उन्होंने अपना एक प्रयोग बनाया और उस पे हम लोगों को बताया। जैसा आपने देखा 2.5 टन गोबर की खाद FYM उन्होंने कहीं से ली और उसको पूरे को ट्रीट किया उन्होंने NPK कंसोर्टिया से, पहले थोड़े पोर्शन को ट्रीट किया फिर पूरे पोर्शन में मिला के उसको कायदे से डाला। फिर उन्होंने सागरिका ग्रेन्यूल्स, वो भी ऑर्गेनिक है, सागरिका ग्रेन्यूल्स का 1-10 किलो का बैग आता है 400 रुपए का किलो, वो सागरिका ग्रेन्यूल्स का एक बैग उसमें 1 एकड़ में डाला। फिर बीज शोधन भी, भूमि शोधन तो बायो फर्टिलाइजर से किया था, बीज शोधन भी बायो फर्टिलाइजर से किया, NPK कंसोर्टिया इस्तेमाल किया। उसके बाद में उस व्यक्ति ने 3 स्प्रे कराए, ये हम प्रयोग बता रहे हैं गेहूं में और सरसों में, रबी में उन्होंने लिया गेहूं और सरसों 50-50 एकड़ में, खरीफ में उन्होंने लिया बाजरा और तिल। तो गेहूं 3 स्प्रे किस चीज के कराए? नैनो यूरिया और सागरिका के। कहीं कहीं पे उन्होंने थोड़ा इसमें चेंज किया, नैनो यूरिया और जिंक का स्प्रे, हमने नैनो जिंक भी बनाया था, उसको भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में आना है, अभी आया नहीं, उसके भी प्रयोग चल रहे थे। कोई खाद नहीं डाली, सब जीरो, DAP जीरो, NPK जीरो, यूरिया जीरो, कुछ नहीं डाला, केवल इतना ही काम उस वैज्ञानिक ने कराया और 50-50 एकड़ में कराया। उसके भी हमने कहा था भाई पब्लिश कराओ इसका डाटा पूरा, वो तैयार है, अभी हम पब्लिश कराएंगे, वही कराएंगे, हम क्या कराएंगे। उत्पादन और उसकी गुणवत्ता डॉक्टर आलिया ने दिखाई, गुणवत्ता के बारे में जो फसलें हुई उनकी गुणवत्ता बढ़ी। उत्पादन क्या हुआ? जो रिकमेंडेड डोज के हिसाब से जहाँ खाद पड़ी हुई थी उसमें 49 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन हुआ गेहूं का, और जो ये प्रयोग किया था उसने नया, उसमें 53 क्विंटल का उत्पादन हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी सारी जो फसल थी जो उसने पैदा की वो बहुत ही अच्छे कीमत पे बिकी, 1000 रुपए क्विंटल तक उसको अच्छा दाम मिला, भौतिक रूप से देखने के बाद ही। सरसों में क्या हुआ? भौतिक रूप से देखने से तो कुछ होता नहीं, उसकी आयल टेस्ट की गई,
तो उसमें ऑयल कंटेंट भी ज्यादा था, 500 रुपए कुंटल सरसों में भी लोगों ने ज्यादा लिया। तो ये जो इस तरीके के प्रयोग हैं, एक लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। नैनो यूरिया एक ऐसा उत्पाद है, आप समझ रहे होंगे ठीक से, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं उनको हम अलग से लेंगे, जिसमें सारा चीज कण के रूप में है, पार्टिकल के रूप में है, पौधे में प्रवेश भी पार्टिकल के रूप में है, और उसकी आवश्यकता के अनुसार से पत्ती से लेकर जड़ तक बराबर बराबर पहुंचता भी है, तो पौधे को स्वस्थ बनाता है, प्रकाश संश्लेषण भी ज्यादा होता है, जड़ क्षेत्र में भी पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं होने देता, क्योंकि यूरिया ज्यादा डालने से कमी हो जाती है दूसरे पोषक तत्वों की, जैसा कि आपके आंकड़े बताते हैं। अगर आप 4.5 लाख टन टोटल खाद की खपत करते हो नॉर्थ ईस्ट में, उसमें 3,62,000 टन केवल यूरिया है। ये मैं नहीं बता रहा, ये आपके प्रयोग के आंकड़े बता रहे हैं, इन आंकड़ों को आप चेक भी कर सकते हो। तो मेरा कहना क्या था, इस नैनो यूरिया के डालने से एक साथ कई चीजें एड्रेस हो जाती है। यूरिया ज्यादा डाल दी आपने, कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते, रोग ज्यादा लगता, फिर दवा लाते फिरो, पौधा स्वस्थ होगा तो न कीड़े लगेंगे न रोग लगेगा। यूरिया आपने ज्यादा डाल दी, परिपक्वता उसकी डिले हो गई, 125 दिन में पकना था 140 145 दिन में पकेगा, फसल ज्यादा बढ़ गई, दाने कमजोर हो गए और जरिया से हवा चली गिर गई, ये सारे काम होने बंद हो जाएंगे। दूसरा, यूरिया जनित जितना प्रदूषण था जो हो रहा था अभी तक, आपके यहाँ कम है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो, यूरिया 3.5 लाख बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है उस हरे भरे सुंदर क्षेत्र में जहां रसायनों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किसान भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसको ऑर्गेनिक विकल्प होने चाहिए पर्याप्त उसमें, उन विकल्पों को हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नैनो यूरिया उसमें एक पहला चरण है, उसके पहले बायो पेस्टिसाइड, सागरिका, बायो फर्टिलाइजर, बायो डिकम्पोजर, ये सब चीजें हम आपको दे सकते हैं। 90 कृषि विज्ञान केंद्रों के मालिक त्रिपाठी जी हमारे सामने बैठे, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि रेवाड़ी जैसे कम से कम 10 प्रयोग अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जरूर कराएं, उसमें जो कुछ भी हमारी सहयोग की आवश्यकता होगी हम उनके साथ खड़े हैं, और उन प्रयोगों से निश्चित रूप से वहां परिवर्तन किसानों के बीच में आएगा, जब वो देखेंगे तब वो विश्वास करेंगे। और कृषि विज्ञान केंद्रों पे ऐसी सभाएं कराई जाएं, हम उसमें सहभागिता करेंगे, और हमेशा हमने सहभागिता कृषि विज्ञान केंद्र के साथ की है, और आज अगर नैनो यूरिया किसानों के बीच में है, वो केवल पहला एक प्रारंभिक क्षण था कृषि विज्ञान केंद्रों का ही, पूरे देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में ये हमने अनुरोध किया था, जिसको स्वीकार भी किया गया कि जो भी हम फील्ड ट्रायल कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उसका सुपरविजन और निरीक्षण करेंगे। तो अभी माननीय कुलपति महोदय हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि यूनिवर्सिटी में अगर चाहें तो जो प्रयोग हमारे एक युवा वैज्ञानिक ने वहां पे किया है, आप ही लोगों के बीच से, वो भी HAU से है, तो उस तरीके के प्रयोग अगर नॉर्थ ईस्ट में दोहराए जाएं, तो थोड़ा सा कायाकल्प का काम आप दोनों महान विभूतियों के हाथों से किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, हमने सोचा कि कुछ फुटकर बिक्री केंद्र सभी स्टेट में खोलते हैं, एक अभियान चलाया इसको हमने, लड़का अजीत को इसको लगाया हमने, कहा भाई करो कुछ, लेकिन नहीं सफलता मिली। लॉजिस्टिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम, इसमें लॉजिस्टिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने उत्पाद आप चाहोगे हम आपको भेजेंगे, कैसे भेजेंगे ये मेरी जिम्मेदारी। और ऐसा नहीं है, इस नैनो यूरिया के बेचने में जो एक बोतल हम 240 रुपए की बेचने वाले हैं, कल अभी हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने इसको पेश किया है और ये निर्णय लिया है डॉक्टर अवस्थी ने कि हम 240 रुपए में बेचेंगे, और एक बोरी यूरिया बेचने पे जो मार्जिन मिलता था समिति को या फुटकर बिक्री केंद्र वाले को 17.80 रुपए करीब बनता है, हम 20 रुपए का मार्जिन देंगे, इसमें 20 रुपए का मार्जिन देंगे और किसानों को 240 रुपए में उपलब्ध कराएंगे,
स्प्रे की व्यवस्था भी पहले से किसान करता रहा है और करता है अभी भी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहों पे अजीत भट्टाचार्य जी और अगर अटारी के त्रिपाठी साहब तैयार हों तो हम सब जगह कुछ स्प्रे रखवा सकते हैं जो किसानों के प्रयोग में आए, या फुटकर बिक्री केंद्रों के ऊपर कुछ स्प्रेयर ऐसे रखे जा सकते हैं जो किसानों के काम में आए, और कुछ जगह मुझे ये भी पता चला है कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कुछ केंद्र खुले हुए हैं जो किसानों की कृषि निवेशों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अगर ऐसी अनुमति त्रिपाठी जी हमें दे दें तो हम सभी 90 जगह कुछ कृषि निवेश रखवा सकते हैं जिनको कि वहां से किसानों को कम दरों पर अच्छी गुणवत्ता के स्टॉक को उपलब्ध कराया जा सकता है। यहाँ के स्तर से अगर कुछ होना हो तो वो भी बात की जा सकती है, लेकिन बेसिक आइडिया जो है अगर नीचे से आएगा तो यहाँ पे भी हम आपके जो यहाँ के अधिकारी हैं आप ही अपने आप कर लोगे। अगर कहीं दूसरी जगह है तो ये व्यवस्था की जा सकती है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमें सुझाव दे सकते हो कहाँ कहाँ पे ऐसी व्यवस्था करके किसानों को ये उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकेंगे। मैं बहुत अब लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से मुझे वहाँ पूरा क्षेत्र जाने का घूमने का मौका मिला है, इतना अच्छा लोग क्षेत्र है, इतने अच्छे लोग हैं और इतनी अच्छी वहाँ की जलवायु है, वहाँ पे क्या नहीं हो सकता, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी की जा सकती हैं और संपूर्ण क्षेत्र को ऑर्गेनिक क्षेत्र में परिवर्तित करके पोषक तत्वों की समुचित आपूर्ति की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अभी अगले साल जब हम मिलेंगे तो हो सकता है हम नैनो DAP के साथ मिलें तो फास्फेट की भी समस्या खत्म होगी और फिर हम धीरे धीरे करके हो सकता पोटास की तरफ भी जाएं, लेकिन फिलहाल हम नैनो यूरिया दे करके और बाकी संसाधनों का प्रयोग करके अपने उत्पादन को ऑर्गेनिक रूप से भी बढ़ा सकते हैं। आपका धन्यवाद। आप इस बारे में जितने प्रश्न आपको दिमाग में हों जो हमारे लोग सुन रहे हैं वो प्रश्न ढेर सारे आप इसमें डाल दीजिए, हम एक एक करके सभी का उत्तर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर वार्म विशेस एंड गाइडेंस। मैं आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने हमारा जितना भी नोटिस में ट्रायल हुआ कभी केस के साथ उसका सर जुड़े रहे और उनका अनुभव भी है, तो उनका अनुभव जो है वो सभी व्यूअर्स के सामने थोड़ा शेयर करें। सर प्लीज। धन्यवाद भट्टाचार्य जी, आदरणीय डॉक्टर BC डेका जी, कुलपति असम केमिस्ट्री, डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, मार्टिन डायरेक्टर IFFCO एंड डॉक्टर रमेश रालिया जी, और जितने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथी और किसान भाई जुड़े हैं, अटारी के तरफ से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रमेश आलिया जी और जोगिंदर कुमार जी ने ऑलरेडी विस्तृत अपना जो परिप्रेक्ष्य रखा है नैनो यूरिया के बारे में, और योगेंद्र कुमार जी तो काफ़ी विजिट भी किए हैं नॉर्थ ईस्ट में और कुछ कुछ मेजर इशू को ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि मेजर इशू है उस पर उन्होंने काफ़ी चर्चा की, अच्छे से सुझाव भी दिया है। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 8 स्टेट में टोटल 90 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, और क्योंकि इसमें इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोग्राम भविष्य में हम लोग निर्धारित करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ है उसी के अनुसार पे हम डिसाइड करेंगे कि किस कृषि विज्ञान केंद्र में हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, क्योंकि सारे कृषि विज्ञान केंद्र वेल इक्विप्ड नहीं है। तो जैसे अभी जब हमारे 90 कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे माननीय कुलपति जी डॉक्टर BC डेका है, इनके अंदर 23 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 23 टोटल आसाम पूरे 90 में 23 कृषि विज्ञान केंद्र इनके अंतर्गत है। दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूट है ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है, तो 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हमारे पास में 7 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। उसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारतवर्ष में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र जो स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ICR इंस्टीट्यूट और भी स्टेट गवर्नमेंट, टोटल जितने 32 KV के हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैं उसमें हमारे 29 कृषि विज्ञान केंद्र यहीं पे हैं। तो हमारे और NGO का 3 कृषि विज्ञान केंद्र है, और बाकी हर स्टेट में हमारा जैसे आपका नागालैंड में भी हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं ICR में ही है,
मिजोरम में भी है, स्टेट गवर्नमेंट का ICR है। तो हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं, जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर हर जगह कार्यरत है, तो उस दिशा में हमें एक एडवांटेज भी है कि हमारे पास में डिफरेंट स्टेक होल्डर, क्योंकि ये कार्यक्रम जो अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना है, और उसमें हमारा जो एक व्हील है वो स्टेट गवर्नमेंट के कृषि विज्ञान केंद्र है। लेकिन टेक्निकल बैकस्टॉपिंग या जो भी हमारा ऑन फार्म टेस्टिंग प्रोग्राम जो करना है, वो हमें देखना है कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ काम करना है, जिसके साथ जुड़ना है, जिसने रेवाड़ी का उन्होंने एक उद्घाटन एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया। जहाँ तक ये फर्टिलाइजर कंजप्शन का मतलब है यूरिया का, तो अगर देखा जाए देश का, हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे योगेंद्र जी ने बताया है, हमारे यहाँ तो बहुत ही कंजप्शन 1.1% ही यूरिया का टोटल कंट्री का कंजप्शन होता है, लेकिन NPK में मोर देन 60% जो यूरिया का ही होता है, यूरिया ही मेजर है, मेजर ही है, बाकी तो फास्फोरस एंड पोटाश जो भी होता है। पिछले साल नैनो जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट में 8 में हुआ, एक अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट में हमने कार्यक्रम चलाए थे। बरपेटा में किया था, उसे स्क्वेयर बिंजल लॉन्गीड बटलगार्ड कछार में कॉलीफ्लावर टोमेटो कैबेज कॉलीफ्लावर हैलाकांदी दरंग गोलाघाट करीमगंज, और बाकी स्टेट में भी राइस पे काम हुए हैं, और एक जगह कार्डमम हुआ अरुणाचल प्रदेश। तो मैक्सिमम जो कृषि विज्ञान केंद्रों ने इस पर काम किया है, एंड जो भी ऑलरेडी एक रमेश कालिया जी ने बताया है कि एक 500 जो हमारा लिक्विड जो है इक्वल टू 1 बैग है, वो चीज़ है, तो उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लेकिन दो इसका जो मेरा कहने का मतलब है, 2-4 इशू जो भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो हमको क्या करना है कि इसके लिए हमें डिफरेंट क्रॉप्स का हमें 1 साल के अलावा 2 साल हमको ट्रायल करना पड़ेगा ऑन फार्म टेस्टिंग। 1 साल का जो काम जो हमारा ट्रायल होता है, क्योंकि हम जब टेक्नोलॉजी असेस करते हैं ऑन फार्म टेस्टिंग में, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, तो 2 साल के लिए हम करते हैं। तो एक हमें नेक्स्ट टाइम अगर प्लान करना है तो 2 साल हमको करना पड़ेगा, जिससे कि हमें काफ़ी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्योंकि कई ऐसी सॉइल, जैसे आप लोग सॉइल साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैं किसान के अनुसार बात करना चाहूँगा कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर जो भी आइदर बेसल डोज होगा या आपका फॉलेज एप्लीकेशन है, उसमें कई चीज़ें काम करती हैं, और उसके लिए अगर हमें ठीक से डिफरेंट क्रिटिकल स्टेज में उस समय जब हम स्प्रे करते हैं या जो भी हम बेसल अप्लाई करते हैं, तो उस समय जो भी इकोसिस्टम में या जो भी चीज़ें आती हैं वेदर, तो 1 साल का डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा, बस सकते इसको 2 साल करें। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट और बताना चाहेंगे कि झूम कल्टीवेशन में मुझे ट्रायल करना है, क्योंकि झूम कल्टीवेशन इकोसिस्टम में मिक्स क्रॉपिंग होती है, तो डॉक्टर रामेश कालिया जी से कहेंगे, क्योंकि मिक्सचर होती है, कम से कम उसका मिक्स फार्मिंग ही कह सकते हैं, और फार्मर काम करता है उसमें, आप स्टार्ट करेंगे, राइस भी होता है, मेज भी होता है, बीन्स होती है, कैलकुशिया भी होता है, और इट डिपेंड अपन झूम सिस्टम है, मिनिमम 6 से लेकर 25 होती है। तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने झूम के लिए कि उसका माइक्रो इन्वायरमेंटल सिस्टम इको सिस्टम जोड़ा भी ये डिफरेंट होता है। दूसरा आसाम के लिए सबमर्जेंस कंडीशन में हमें ट्रायल करने हैं, क्योंकि हमने जो ट्रायल किया है आसाम में फ्लड प्रोन है, 5 लाख हेक्टेयर करीब करीब फ्लड है, जिसमें 2-3 लाख रेगुलर फ्लैश फंड होता है, ऑलरेडी आता है, तो उस कंडीशन में कोई मुझे नहीं मालूम, हो सकता ट्रायल हुआ है। मैं एज किसान के संदर्भ में इस बात को उठाना चाहता हूं कि अगर हम सबमर्ज कंडीशन में अगर ये जो हमारे यूरिया का ये जो हम प्रयोग करेंगे उसमें कुछ प्रोडक्शन में कुछ वेरिएबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। उसके अलावा भी अभी हमारा जो राइस का सिस्टम है, राइस जो हमारा करीब 32 लाख हेक्टेयर आसाम में, आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट में होता है, और आसाम मेजर 72% करीब इनके आसाम में ज़्यादा एरिया है, तो ये चीज़ें एक संबर्स में इस कंडीशन के लिए एक अलग से ट्रायल करनी पड़ेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो बात करना चाहते हैं कि ये
नैनो जिंक और कॉपर का हमने ट्रायल नहीं किया, आपके यहाँ ट्रायल हुआ होगा, जैसे हमारे सामने बताया था कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है सिक्किम में, तो नैनो जिंक और नैनो का एक हमें ये ट्रायल करना पड़ेगा, जो कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में ये नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं आगे और कुछ बताऊं, और उसके बाद में एक जो मैं कहना चाहता हूं, जोगेंद्र जी ने ऑलरेडी किया है, इंसेंटिव टू इनपुट डीलर्स, और उनको ट्रेनिंग देना है, और इनपुट डीलर्स का प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, इसमें आसाम मैं आसाम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर और जितने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जुटे उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनपुट डीलर्स का हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हमारा ICAR का मैंडेट भी है। जब हम इनपुट डीलर्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें कोर्स करिकुलम में इसको भी हम समाहित करेंगे, और इसके लिए भी आपको अगर कोई सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर डिमॉन्स्ट्रेशन भी करना है तो कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे इनपुट डीलर्स को भी दिया जा सकता है और किसान को भी उसमें वो कर सकते हैं। इंसेंटिव के बारे में अग्रवाल, अरे विनोद, अरे योगेंद्र जी ने बता दिया है, इट इज गुड इंसेंटिव, और वो भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है इसमें। देन ट्रेनिंग अवेयरनेस और ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग भी इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो कर भी रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें कंबाइंड ट्रेनिंग जो IFFCO के साथ में मिलके कुछ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्विंग, दैट आपका रिसर्चर भी होना चाहिए, फार्मर्स हो गया, दैट NGOs हो गया, FPO आजकल प्रमोट होता है, FPO को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ICAR ने FPO को भी ऑलरेडी किया गया है। अगर हम FPO को, ये जितने हमारे स्टेब्लिश के FPO है उनको अगर ये मार्केटिंग का अगर इनको जो भी लिंक कर दें तो वो चीज़ें बहुत इजीली हो जाएगा, और इस पर हम दिशा में काम कर रहे हैं, और ये भी इस दिशा में हम काम कर सकते हैं। टी का जो हुआ, टी इंडस्ट्री जो भी आसाम का है, इस पर भी उन्होंने बताया टी पे काम किया, लेकिन हमने तो शायद टी प्लांटेशन में कुछ ट्रायल्स हुए होंगे, लेकिन क्योंकि इसमें टी जो है 70 लाख जो लोग आपके लोग यहाँ पे करीब किसान इसमें ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, तो टी सेक्टर में भी अगर कुछ भी, क्योंकि हमारे डोमेन में नहीं आता है, लेकिन तभी भी अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या कुछ हमारे KVK जैसा तिनसुकिया में एक दो KVK में हमारे ये टी हस्बेंड्री के हैं, तो उसमें हम देखेंगे इस पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं। देन अनदर इंसेंटिव देयर, और अंत में मैं रिजल्ट बताना चाहूंगा, जो कि आप बताना चाहूंगा, हमारे जो ट्रायल हुए हैं, जैसे इन्होंने बताया ऑल इंडिया 94 जगह में हुआ है, 11,000 डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, हमने भी काफी डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, और आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा हमारा रिस्पांस यूरिया का रहा है, नैनो यूरिया का, पोटैटो में 13% रहा, जबकि राइस में भी हमारा काफी 15.85% था यहाँ पे, और बाकी कॉलीफ्लावर में 7.9%, ब्रिंजल में 9.9%, बटल गार्ड्स में, हाँ रीज गार्ड में या बिटर गार्ड में कम था, लेकिन पोटैटो और राइस में था, बीन में भी थोड़ा रिस्पांस कम था, ओकरा में भी ठीक ठाक था, और यील्ड वेरिएशन भी हमने काफी यील्ड वेरिएशन भी पर हेक्टेयर वर्कआउट किया था, एंड विल फाइंड दैट राइस में 650 kg हुआ, और सबसे ज्यादा स्वाभाविक होगा कि पोटैटो में भी पोटैटो का रिस्पांस बहुत ज्यादा था, मोर देन 3,717 kg, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वी हैव गॉट इट। इनकम में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इनकम में हम कन्वर्ट करते हैं, तो आप बताएंगे कि आपको बताए ओकरा में तो हमारा इनकम में 35,000 हुआ और पोटैटो में भी 25,000 से हुआ, तो हमने इकोनॉमी से वर्क आउट किया है कि अगर सब्सिडी दे देते हैं तब कितना होगा, और विदाउट सब्सिडी देने से क्या होगा, अगर हम सब्सिडी दे देंगे तो और भी बढ़ जाएगा, विदाउट सब्सिडी में भी हमारा इनकम में भी इनकेस ऑफ राइस में, क्योंकि 1,250 रुपया लगता है, अगर मान लो इनकेस, आई एम जस्ट टेलिंग दैट, ऐसे एजम्पशन है, हमने वर्क आउट किया है, अगर एजम्पशन करके हम राइस में अगर हम सब्सिडी देंगे तो 9,414 रुपया, और विदाउट, और अगर सब्सिडी देंगे विदाउट में 9,000 का पर हेक्टेयर का ये बेनिफिट होगा। तो ये रहा से हमारा, क्या मतलब है सर आपका सब्सिडी? सब्सिडी मींस जो भी हम दे रहे हैं, मतलब 1,250 उसको हम किसी तरह से इंसेंटिव दे रहे हैं सब्सिडी, मतलब वही 1,250 रुपया माइनस कर लिया, अगर नहीं माइनस करते हैं तब भी हम बहुत ही कंफर्टेबल है, अगर हमारे 20% हम कट आउट डाल करके हमें प्राइस करना है, क्योंकि हमें देखना होगा डाइवर्सिफाइड करके करना पड़ेगा, और जैसे आपने कहा कि यूरिया के साथ में लिंक करना है, मान लीजिए जैसे कि आजकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है,
मार्केटिंग मिक्स भी हमको करना पड़ेगा और इम्पोर्ट डीलर्स को बोलना पड़ेगा भाई देख लो भाई हम आपको देते हैं इतना यूरिया देते हैं आप करेंगे तो हम इतना 1 लीटर या 2 लीटर हम आपको फ्री दे देंगे। जस्ट कुछ भी ऐसे की जैसे कुछ आजकल जो डिफरेंट कंपनी अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इसको पॉपुलराइज करना है क्योंकि अभी इतना अवेयरनेस करना है तो इसके लिए कैसी स्ट्रेटजी करनी है इस पर हम लोग डिस्कस कर आगे कर सकते हैं। तो अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि वाइस चांसलर साहब अभी वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा विशेषकर अजीत भट्टाचार्य जी डॉक्टर रमेश कालिया और अंगद कुमार जी को कि मुझे आमंत्रित किया है और मैं और मुझे मौका दिया है कि दो शब्द इस अवसर पर मैं कुछ कह सकूं और ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो भी हमारे साथी हैं उनसे मैं आशा करता हूं कि आप जुड़े रहेंगे और जो भी डिसीजन होगा कौन सी लेवल पे भी काफी प्रयास किया जा रहा है कि इसको इफ्को का जो भी आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी आगे बढ़ाएं और ऑर्गेनिक में थोड़ा आपका वो प्लांट प्रोटेक्शन का इश्यूज है उस पर भी हमें कुछ कुछ ट्रायल करने हैं क्योंकि अरुणाचल अरे सिक्किम में ऑलरेडी स्टेट ऑर्गेनिक हो गया मिजोरम प्रोसेस में अरुणाचल में भी सब में प्रोसेस है तो इस पर आगे भी काम करेंगे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सफलतापूर्वक इस आयोजन के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड डेफिनेटली वी विल वर्क टुगेदर आप लोग का साथ मिलके हम लोग जरूर काम करेंगे ताकि इस इलाका का जो भी किसान है वो लाभान्वित हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर बीसी देका सर को जो ऑनरेबल वाइस चांसलर एयू का है उनका जो कीनोट एड्रेस हमारे सबके सामने रखने के लिए सर प्लीज। नमस्कार गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी माय गुड फ्रेंड डॉक्टर त्रिपाठी जगेंद्र जी रमेश जी भट्टाचार्य जी और जितने भी हमारा ऑनलाइन पे मुझे पता है मुझे बताया गया कि काफी सारा फार्मर्स नॉर्थ ईस्ट का कुछ कुछ फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने भी मुझे जानकारी मिला कि वो लोग ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन मतलब चुन रहे हैं हमारा बात हम लोग क्या बता रहे हैं लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पा रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में खास करके जो हिल्स का जो फार्मर्स है उन लोगों का थोड़ा हिंदी समझने में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन फिर भी आजकल थोड़ा परिवर्तन तो जरूर हुआ होगा और हो गया तो बाकी मेजोरिटी जो हमारा फार्मर्स है आसाम जो त्रिपुरा एंड मणिपुर प्लेन्स में ये लोग तो समझ जाते हैं तो ये सारे चीजों को आगे रख करके मैं हिंदी में ही बताना पसंद करूंगा क्योंकि इंग्लिश में बोलने से हमारा मेजोरिटी फार्मर्स लोग समझ नहीं पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी में बोलना पसंद करूंगा लेकिन मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है। हाँ, तो कमजोर आपका अच्छी तो हमारा जो जो रमेश जी और जगेंद्र जी और त्रिपाठी जी ने ये तीनों जो हमारा प्रीवियस स्पीकर्स था इन तीनों ने इतना बरियार के चीजों को सामने रखा और खास करके जगेंद्र जी और रमेश जी का जो हमको जो बताया मुझे कुछ चीज पहले पता नहीं था क्योंकि मैं एक लर्नर के हमेशा रूप में मैं खुद को देखता हूं मैं नया चीज हमेशा सीखने के लिए मैं हमेशा मैं मुझे तैयार रखता हूं तो 2-3 नया चीज मैं सीखा जो आप लोग बताया मैं वो भी उसको बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन फार्मर्स के लिए जो फार्मर्स हमारा जो सोचते हैं और फार्मर्स के लिए जो जरूरी है ऐसा 2-3 चीज मैं बताना चाहता हूँ। हमारा नेशनल लेवल पे जो अभी आप लोग सब जैसे जानते हैं हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा कंट्री ने फर्टिलाइजर सब्सिडी पे एवरी ईयर हम लोग ऑलमोस्ट 72,000 to 80,000 रुपीज हम लोग सब्सिडी के हिसाब से खर्च करते हैं ये एक बड़ी रकम है ये फर्टिलाइजर सब्सिडी एक बड़ी रकम है 72,000 to 80,000 रुपीज। ये जो रमेश जी और जगेंद्र जी जो इफ्क्यू ने जो ये डेवलप किया बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट नैनो यूरिया हमारा इफ्क्यू ने डेवलप किया जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो सपना था आत्मनिर्भर ये आत्मनिर्भर का एक बढ़िया उदाहरण इससे कोई हो ही नहीं सकता है। तो
तो इसके लिए मैं रमेश जी और जगेंद्र जी के मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आए आकर के ये सारे प्रोडक्ट आपने डेवलप किया और उसका लगातार अभी यूज करने के लिए सबको जागरूकता, सबको माइंड में जागरूकता पैदा करने के लिए कोशिश हो रहा है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ये तो अच्छा बात है। जैसे हमारा रमेश आलिया जी ने बताया कि 50% भी हम लोग जब यूरिया का इस्तेमाल कम करेंगे, इसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया जाए तो कम से कम 30 to 50,000 जो हमारा रुपीज सब्सिडी में जाता है उसका तरह कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ी रकम है, ये पैसा हम लोग कोई दूसरा अच्छा डेवलपमेंटल वर्क के लिए हम लोग कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। तो हमारा फार्मर्स को ये समझना चाहिए क्योंकि आपका खुद का भला करने के साथ साथ देश का भी भला करो, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका डेवलपमेंट के लिए ही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो वो दूसरा पर्पस के लिए यूज करेगा। अभी आइए टेक्नोलॉजी फ्रंट, मैं 2-3 बात बताना चाहता हूं। त्रिपाठी जी ने काफी अच्छा ढंग से कुछ 2-3 चीजों को अच्छा रखा, अच्छा करके रखा। जैसे हमारा आईसीआर का साथ इफको का एक एमओयू हो गया और एमओयू के तरफ ही हम लोग सब लोग काम कर रहा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मुझे मानना है जो आईसीआर का साथ जो एमओयू है यूनिवर्सिटी के साथ और उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मेरा आग्रह जगेंद्र जी से है कि यूनिवर्सिटी और इफ्को का बीच में भी एक एमओयू होना चाहिए। जब एमओयू हो जाएगा तब काम करने में आसानी हो जाएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, त्रिपाठी साहब ने भी बताया, हमारा नॉर्थ ईस्ट पे खास करके आसाम पे और हमारा काफी हिल्स एरिया पे अभी 2-3 क्रॉप मतलब लोग ज्यादा से करते, एक है टी, एक लार्ज कार्डमम और एक किंग चिली, ये कमर्शियल लेवल पे लोग करते हैं, जिंजर और टर्मरिक को भी करते हैं, ये हमारा कमर्शियल क्रॉप है। पाइनएप्पल एक हमारा अनदर कमर्शियल क्रॉप है, ऑरेंज एक हमारा कमर्शियल क्रॉप है और 2-3 वेजिटेबल हमारा जहां पे हमारा योगदान अच्छा है, खासकर पोटेटो भी उभर करके आया। इस सीजों में ये नैनो यूरिया का यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हमको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, किस देश पे ये नैनो यूरिया फोलियर एप्लीकेशन किया जाए, ये सारे को डिटेल रूप पे जब हम स्टडी करेंगे तब तो हमारा रिकमेंडेशन में जाएगा, तब तो हम स्टेट गवर्नमेंट को बोल पाएंगे यस ये जो नैनो यूरिया है हमारा इफ्को ने जो डेवलप किया, इसको इस देश पे अलग अलग क्रॉप पे हमारा जो कमर्शियल क्रॉप है पहले हम इसको करेंगे, तो अब 2-3 साल के अंदर ही जब टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो मार्केटिंग अपने आप हो जाएगा। जब लोगों को लगेगा कि ये यूज करने से हमारा फर्टिलाइजर खरीदने में जो पैसा हम लगाते हैं उसमें कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे लोग उसका इस्तेमाल जरूर करेगा, तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2, एक आज मुझे जान करके खुशी हुआ कि जगेंद्र जी ने अभी बताया कि डीएपी का भी नैनो फर्टिलाइजर डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी मार्केटिंग स्टेज पे नहीं आया। नैनो जिंक ऑलरेडी अवेलेबल, यो रिसर्च स्टेज में है, अभी रिसर्च के लिए हम लोग ट्रायल उसके भी कर रहे हैं। ओके, आप कहेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी ट्रायल करा लेंगे। एक्जेक्टली एक्जेक्टली, इसीलिए मैंने बताया कि एमओयू वगैरह साइन कर लीजिए फटाफट, हम करेंगे तो ताकि आप मटेरियल हमको दे, हम आपका मटेरियल टेस्ट करके आपको रिपोर्ट भी दे देंगे, ठीक है। तो ये सारे एक बढ़िया हम करके हमको काम होगा। एक मैं दूसरा सी एंगल से आपको बताना चाहता हूँ, जो फोलियर स्प्रे हम लोग स्प्लिट, जैसे हम लोग यूरिया स्प्लिट करते हैं, नॉर्मली 2 स्प्लिट हम 3 स्प्लिट देते हैं क्रॉप, अलग अलग क्रॉप। हमारा नॉर्थ ईस्ट पे खास करके हिल्स पे त्रिपाठी जी ने बताया ये फोलियर स्प्रे करने में बहुत दिक्कत होता है, मतलब एप्लीकेशन थोड़ा काफी दिक्कत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन फोलियर स्प्रे नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग को 2 स्प्रे करने के लिए बताएंगे तो 2 स्प्रे कर नहीं पाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेबर वगैरह कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, अंडुलेटिंग एरिया है, थैली में ठीक है। तो क्यों ना इफ्को ने इतना बढ़िया डेवलप कर लिया, कोई नैनो जो पैलेट्स
बेसेल डोज के रूप में कोई पैलेस भी डेवलप कर ले, ये एक बढ़िया योगदान होगा इफको से। क्यों, जो हमारा अभी रिसर्च स्टेशन आप लोगों ने चालू कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च स्टेशन, कोई नैनो पैलेट्स डेवलप करेंगे जिसको हम 50% बेसेल डोज को उसके हम रिप्लेस कर पाएंगे, तो अब हमारा टोटल टेक्नोलॉजी के रूप में बढ़िया चीज होगा। तो अब क्या होगा, जहां पे भी दिक्कत होगा पोलियो एप्लीकेशन करने के लिए, ये लोग बेसेल डोज पे इसको, खास करके ये बेसेल एप्लीकेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए अच्छा होगा, फ्रूट्स पे हो, वेजिटेबल पे हो, जब वो लोग ये बनाते हैं, पीट बनाते हैं, तो बेसेल फर्टिलाइजर एक साथ दे करके गोबर के साथ मिक्स करके वो लोग लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, पैलेट्स डाल देगा, डीएपी का हो, यूरिया का हो, जिंक का हो, जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर रिक्वायरमेंट पैलेट्स डाल देगा, इसे भी वो स्लो रिलीज होगा, लॉस इसे भी नैनो का कम है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब हम फुलियर स्प्रे करते हैं थोड़ा बहुत तो बिकॉज ऑफ द एयर सर्कुलेशन लॉस तो होगा, लेकिन मिनिमम है, और जो भी जाएगा, जो इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं होगा, वो भी हमारा सेल में वेक्यूल में स्टोर हो जाता है, वेक्यूल से जब भी रिक्वायरमेंट होता है उसको स्लोली स्लो रिलीज हो जाता है, ये तो हमारा टेक्नोलॉजी का एडवांस में तो यही है। तो मेरा ये गुजारिश है इफको को कि तुरंत हमको, कोई कोई यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी में हमारा रिसर्च ग्रुप को भी मैंने बताया कि आप लोग पैलेट फॉर्मेशन के ऊपर काम करो, नैनो पैलेट्स, क्योंकि हमारा इधर फ्लड इफेक्टेड एरिया है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है, कभी कभी स्काई ओवर स्काई रहता है, धूप आता ही नहीं है, तो स्टोमेटा बिल्कुल ओपन ही नहीं होता है, इस चीज में आपको ये थोड़ा पोलियो स्प्रे में कभी कभी दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया एक काम होगा। वो भी मैं 2-3 शब्द हमारा फार्मर्स को मैं बताना चाहता हूँ। हमारा जो अभी जो फार्मर्स है, आप लोग को सबको पता ही है, अभी हमारा हमने काफी जोर दिया अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी पे, पूरा नॉर्थ ईस्ट पे हमने इस पे जोर लगाया, त्रिपाठी जी भी दिन रात उस पे काम कर रहे हैं, हमारा असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी हमने इस लाइन में लगा दिया, वो भी हमको सीबीओ भी मिल गया नाबार्ड से और एनसीडीसी पे, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ इस फाइनेंशियल ईयर पे हम लोग ने 23 एफपीओ हम करेंगे फार्मर्स को एकजुट करके। ये एफपीओ जब एक बार चालू हो जाएगा उसको हम कन्विंस करेंगे कि आप लोग नैनो फर्टिलाइजर यूज करो, तो आप मार्केटिंग का प्रॉब्लम अपने आप मतलब सॉल्व हो जाएगा। अभी मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है कि हमारा अजीत भट्टाचार्य भी उस लाइन में थोड़ा सोचे कि डायरेक्टली आप फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से भी मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इन आने वाला दिन, क्योंकि जैसे आपका फर्टिलाइजर डीलर है उसके पास तो जरूर रखो, हमारा केबी के साथ पे भी आप लोग का एक ये होगा, तो हम हमारा तरफ से भी हम डायरेक्टली एफपीओ को हम बता देंगे कि आप उसका भी इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली खरीद लो, थोड़ा आपका रिबेट भी वो मिल जाएगा, जो रिबेट आप लोग रिटेलर को देते हो, स्टॉकिस को देते हो, वो रिबेट थोड़ा आप हमारा एफपीओ को दे दो, थोड़ा कम दाम में उसको अच्छा कम दाम में फर्टिलाइजर इमीडिएटली मिलेगा, तो आपका ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है ये हो सकता है मार्केटिंग के तरफ से। आगे मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरा हमारा दूसरा एंगेजमेंट भी है, लेकिन मुझे आज इतना भरी अच्छा लगा क्योंकि ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा करना जरूरी है, खास करके ये टाइम पे, और हमारा फार्मर्स का बीच में जो जागरूकता पैदा हो रहा है इसके वजह से इसको मतलब बढ़िया करके करना चाहिए। और मुझे पता नहीं इफको ने कुछ इसके ऊपर वीडियो फिल्म बनाया नहीं बनाया, 2-3 मिनट का कोई वीडियो फिल्म इमीडिएटली बनाए, उसका नेशनल लेवल पे उसको जो हमारा दूरदर्शन है, जो लोकल चैनल है, उसको मतलब देने से लोगों को और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि आज बहुत सारे फार्मर जोड़ नहीं पाया, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में ये सारे चीज आएगा उसका पॉपुलरिटी और बढ़ जाएगा, लोग उसको यूटिलाइज करने के लिए आगे आएगा और तब मार्केटिंग भी आपका बढ़िया होगा। ज्यादा और ना बोलते हुए मैं पुनः मुझे ये मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सबको धन्यवाद देकर के मैं इधर ही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
थैंक यू सर। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट रखूंगा सर, 10 मिनट के लिए प्लीज आप कृपया रखिए रहे, क्योंकि बहुत सारा वैल्यूएबल क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे को लगता है सर आप भी रहना है हमारा एमकेडी साहब, त्रिपाठी साहब और रेलिया साहब के साथ। ठीक है, थैंक यू। मैं भी 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। अभी त्रिपाठी जी ने बड़े अच्छे ढंग से कुछ चीजें बताई, तो मेरा मनोबल भी बढ़ा उससे, जब हमने सुना पोटैटो में इतना फायदा हुआ है और धान में इतना फायदा हुआ है और कई और फसलों में, तो आप इस क्रम को जारी रखिए। बाकी जो प्रोडक्ट है वो हम आपको भेजेंगे, कोई अन्य सपोर्ट होगा हम लोगों का, आपस में टाई अप है, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। दूसरा भी वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि एमओयू होना चाहिए, एमओयू आप एक बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है एमओयू करने में। नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे लिए प्रायोरिटी एरिया है, और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर अवस्थी के दिमाग में भी प्रायोरिटी एरिया है। दूसरा, सिक्किम में हम इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं प्रोसेसिंग का, तो अगर सिक्किम से चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम आसपास के स्टेट्स पे भी डिपेंड होंगे, तो और उस तरीके से फिर एक अगर ये मुहिम छिड़ी है तो हो सकता है आगे और भी प्लांट लगें, क्योंकि सिक्किम इफको ऑर्गेनिक्स एक जो संस्था बनी है उसने अभी प्लांट लगना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से ये अगर कोविड वाला टाइम नहीं होता तो अब तक काफ़ी काम हो चुका होता, लेकिन फिर भी साल भर में प्लांट ऑपरेशन में आ जाएगा तो थोड़ा किसानों को भी राहत मिलेगी। वहाँ भी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि किसान आढ़तियों के उसमें भी है, वो उससे भी उनका छुटकारा मिलेगा। कुछ चीज़ें आपने बताई थी कि इम्पैक्ट प्रोग्राम और जो भी ट्रेनिंग्स हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जैसे आज प्रोवाइड किया हमेशा दे सकते हैं, जब आप ट्रेनिंग करना चाहो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट किसानों को इकट्ठे करने में आपकी मदद जरूरी होगी, या और भी जो लोग जुड़ना चाहें उनको जोड़ने में आपकी मदद हमें चाहिए। इस तरीके का वातावरण पैदा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमने काफ़ी अच्छे कांटेक्ट कर रखे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा और अनइंटरप्टेड होगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक ये बात थी, बाकी एमओयू की बात सर ने की है, वीसी साहब ने, उसको हमें बिल्कुल हम करेंगे, और आपको और भी एफपीओ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपाठी साहब ने बताया था और वीसी साहब ने बताया कि एफपीओ के थ्रू भी जो है मार्केटिंग शुरू कराया जाए, हम बिल्कुल ओपन हैं, आप एकदम एफपीओ की लिस्ट दीजिए, हम शुरू करा देंगे। एनजीओ से थोड़ा दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि हमारा जो संस्था का जो स्ट्रक्चर है वो कोऑपरेटिव का है, और एफपीओ के लिए तो एक भारत सरकार का आदेश है कि एफपीओ शुड बी ट्रीटेड एट पार टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। एफपीओ में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और दूसरे एनजीओ के साथ दिक्कत होगी। उसके लिए दूसरा विकल्प है, अजीत भट्टाचार्य आपको बताएगा कि हम कुछ संस्थाएं हमारी हैं जिनके हम फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं जो लोग करना चाहें, उसके लिए भी हम ओपन हैं। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर, धन्यवाद ज्ञापन पहले करोगे, क्वेश्चन आंसर पहले? नहीं सर, पहले क्वेश्चन आंसर को लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, बोलते रहिए आप। काफी सारे क्वेश्चन आए हैं सर पहले से, आप क्वेश्चन बोलते रहो, उत्तर हम लोग कोशिश करेंगे दिए जाए। जी सर, एक तो आया है कैपेसिटी बोटल फॉर नैनो यूरिया, सो दैट इज 250 ml। नो नो, कैपेसिटी ऑफ नैनो बॉटल इज 500 ml, सॉरी 500 ml सर। प्राइस इज 240 rupees सर। टी गार्डन में कैसे इसको स्प्रे करना चाहिए? स्प्रे कैसे करना चाहिए तो ये तो वहाँ का लोकल आदमी बताएगा कैसे टी गार्डन में स्प्रे होता है, हमें उसकी बहुत अनुभव नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन स्प्रे करने के लिए जो पदार्थ है, जो प्रोडक्ट है, वो हम आपको देंगे, उससे टी गार्डन में बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है इट इज ऑलमोस्ट 86%, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी तरीके का, और सारा का सारा यूज होता है लगभग, और टी गार्डन में भी यूज होगा। कोई भी फसल जिसमें नत्रजन की आवश्यकता हो, यानी किसी कोई ऐसी फसल नहीं जिसमें नत्रजन की आवश्यकता ना हो, चाहे वो टी गार्डन हो, चाहे आर्चर्ड हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फील्ड क्रॉप हो, सभी फसलों में नत्रजन की आवश्यकता है, और सभी फसलों में नैनो यूरिया का रिस्पांस है। और ये अभी जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था माननीय त्रिपाठी जी ने, उससे सिद्ध हो चुका है कि जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें इसका रिस्पांस आपके बहुत अच्छा है, जो नेशनल एवरेज हमारा 8% का है उससे ज्यादा ही है। Then after opening of the container seal, is it
advisable to use the remaining part of the nano urea liquid later on? Yes, well, yes, sir. No problem. Sir. कोई दिक्कत नहीं है आपका. अगर 500 मिलीलीटर की आपने बाटल ली है, 250 मिलीलीटर एक बार में प्रयोग करना है एक एकड़ में स्प्रे में, 250 मिलीलीटर अगले दो साल तक रखे रहिए तो भी यूज कर सकते हैं. और वैसे भी इसकी जो वैलिडिटी पीरियड है यूज करने की, दैट इज 2 ईयर्स फ्रॉम प्रोडक्शन डेट टू कंजम्पशन डेट. सर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ. हाँ त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं. एक मेरे मतलब दिमाग में रैंडम थॉट है, ये जो आपका हमारा जो पैकेजिंग है ना 500 को 250, कैन वी मतलब क्योंकि हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, पैकेजिंग को थोड़ा लोअर डाउन करके 100 ml में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या वो सब कुछ हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी हमने सब 500 ml की बॉटल का ही सब पूरा सेटअप किया हुआ है, तो उसको पहले थोड़ा सा आने दीजिए. नहीं नहीं मतलब अगर देखिए बिजनेस पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग जैसे अगर क्योंकि वो बिजनेस पर्सपेक्टिव में हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो भी हैं उनकी लैंड होल्डिंग कम है और जो कल्टीवेटेड एरिया है, मतलब ये बिजनेस प्लान है ये तो आप लोग का अपने बिजनेस प्लान में एक ऑप्शन ए भी हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी जो भी प्रोडक्ट ला रही है वो डिफरेंट उसमें लाते हैं. जैसे आप एग्जांपल जो मैंने 40 साल में जैसे पहले आपका ये शैम्पू आता था 100 ml में 250 ml में आता था, बाद में पाउचेज में आ गए, इजी टू मतलब अपने हिसाब से वो खरीदेगा और हिसाब से लगाएगा. अभी सर शुरुआत होने दीजिए, पॉकेट में मनी कौन सा, जस्ट मतलब ऐसे मेरा एक दिमाग में आया. शुरुआत होने दीजिए, वो भी सब होगा जो आप कह रहे हैं. थैंक यू सर. एक नैनो यूरिया लिक्विड है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो सर लिक्विड ही है. लिक्विड ही है. नैनो फर्टिलाइजर प्राइस कितना में मिलेगा और इसका डोज क्या होगा? इसका 240 रुपए का मिलेगा डोज, उसका 250 मिलीलीटर एक एकड़ के लिए होगा. पानी की मात्रा, फसल की अवस्था और किस जो फसल जिससे स्प्रे कर रहा है संयंत्र उसके ऊपर डिपेंड करेगी. मान लो कोई ड्रोन से स्प्रे कर रहा 10 लीटर में हो जाएगा, कोई पावर स्प्रेयर से कर रहा तो उसमें कम लगेगा, जो बैटरी वाले स्प्रेयर से स्प्रे करेगा उसमें प्रारंभिक अवस्था में 6 टंकी पानी लगता है मोटा मोटा, 6 से 7 टंकी. और जब बड़ी हो जाएगी फसल पुष्पावस्था के फल फूल वाली अवस्था में जब प्रयोग करेंगे इसका दूसरी बार में, उस समय आपके हो सकता है कि 8 टंकी लग जाए. तो ये इस तरीके से मोटा हिसाब है. शुरू वाली अवस्था में 5-6 टंकी इतने में हो जाएगा. Will it be harmful to animals if they feed on the crop after nano urea application? अभी आपको दो स्लाइड देखी होंगी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया. इन्होंने एक तो जो टॉक्सिटी जो टेस्ट की है वो बहुत ही कायदे से टेस्ट हुई है, और एफसीओ में लाने के पहले हमारी भी टेस्टिंग बहुत कायदे से गवर्नमेंट ने की है. तो उसमें कहीं कोई जब मधुमक्खी के ऊपर प्रभाव नहीं है, केचुए के ऊपर प्रभाव नहीं है, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रभाव नहीं है, मछली जो छोटी है उसका एम्ब्रियो है उसके ऊपर प्रभाव नहीं है, तो आदमी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है. आदमी के ऊपर प्रभाव कब पड़ेगा? डॉक्टर आलिया का ही रिसर्च पेपर है, इन्होंने लिखा है 5000 ppm का एक्सपोजर 3 महीने लगातार हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक की बीमारी पैदा होगी. और यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं आप 100 ppm का प्रयोग कर रहे हैं और खत्म हो जा रहा तुरंत ही. नाइट्रोजन क्या बनाएगा? एमिनो एसिड बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा, खत्म हो जाएगा. कुछ नहीं है इसमें, कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं. लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रारंभिक प्रिकॉशन है, जिसे मान लो मास्क नहीं है तो अंगोछा बांध लो और ग्लव्स एक जरूर खरीद ले जो आदमी स्प्रे कर रहा हो, इतना तो सावधानी रखनी ही चाहिए. और शरीर के अंग अगर खुले न रहे तो अच्छा है. देखो आप इस नैनो यूरिया से 100 गुना ज्यादा खतरनाक रसायनों का प्रयोग स्प्रे करते हो. तमाम इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं, फंजीसाइड ऐसे हैं, या आपके हर्बिसाइड भी ऐसे हैं जो इससे ज्यादा डेंजरस हैं, जिनका एक ढक्कन एक थोड़ा सा अगर 2 बूंद भी चला जाए तो भी आदमी मर सकता है. मैंने एक बार स्प्रे कराते हुए देखा प्लाट में, डाइमेक्रान पहले चलती थी, हम लोग जब पहले शुरू शुरू नौकरी ज्वाइन किए थे, डाइमेक्रान का स्प्रे हो रहा था एक खेत में, एक उसमें कोबरा सांप निकला उसके ऊपर पड़ गया तो वो मर गया. तो जब इतने जहरीले रसायन है जिनका हम खेती में प्रयोग करते आए हैं और कर रहे हैं, तो ये अपेक्षाकृत बिल्कुल सुरक्षित है. ठीक है, नेक्स्ट. जगेंद्र जी मुझे एक क्विकली आपसे जानना है, एक क्विकली ये जो ये तो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया नैनो यूरिया, राइट?
तो इसमें ये ऑर्गेनिक के हिसाब से ये, लेकिन सर्टिफिकेशन मिलने में दिक्कत होगा या नहीं होगा? अभी सर दिक्कत है, लेकिन जो क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, मान लो इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये केमिकल है, तो ऑर्गेनिक अच्छा। में उसने इसलिए यूज किया कि इसमें जो मात्रा है एक बोतल में वो 20 ग्राम है केवल, और इसके बनाने में जितने भी हमें पॉलीमर्स या जो भी कुछ लगा है सारे ऑर्गेनिक है। जो इसमें प्रोटीन की कोटिंग है जो हमने यूज किया वो भी ऑर्गेनिक है। तो 4 ग्राम मात्रा अगर एक एकड़ में जा रही है, वो भी 2 बार में, तो उसकी इतनी न्यून मात्रा है, तो ऑर्गेनिक में प्रयोग करने पे वो कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। और वो ऑर्गेनिक जैसे ही जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसकी, जो कंडीशन है ग्रेन की, आती है। मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी बता सकते हैं आलू कैसा हुआ था। आलू में हमारे यहाँ बाराबंकी में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, टाइम होगा तो हम बता सकते हैं आपको। आलू जो है त्रिपाठी साहब, अभी बाराबंकी में एक किसान है रामचरण वर्मा जी, वो एक लाइन में आलू नहीं लगाते, उन्होंने एक रेज बेड बनाई चौड़ी 40 इंच की, उसमें 3 लाइन में आलू लगाए एक बेड पे, उसके बाद पानी की नाली छोड़ी। उस किसान का कहना यह है कि इसमें आलू में पानी की ज्यादा जरूरत नहीं, नमी चाहिए खाली, और नैनो यूरिया इस्तेमाल किया है। जो उत्पादन आया है वो 270 क्विंटल एकड़ का है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन लगभग जो है 1.75 टाइम्स हो गई, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ गया जाता। तो ये जो है आलू में तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, आलू में नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। हाँ, वही ज्यादा है, उसमें इकोनॉमिक वैल्यू भी ज्यादा उसमें बेनिफिट होती है। जी जी सर, एक क्वेश्चन है, इफ देयर इज एन एक्सेस रेन आफ्टर स्प्रे ऑफ नैनो यूरिया, विल इट रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ नैनो यूरिया? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। नैनो यूरिया के स्प्रे होने के बाद में, मैं तो जो एक व्यवहारिक बात कहता हूँ, कम से कम 12 घंटे का टाइम मिल जाए तो अच्छा है। हालांकि डॉक्टर आलिया से अगर ये प्रश्न आप पूछते तो ये साइंटिफिकली कहते 4 घंटे का ही हो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे लगता 12 घंटे का टाइम मिलना चाहिए। After application of nano urea, any change in the physiology of plants have been observed? Physiology of plant, Dr. Ali, आप बताओ भाई। मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं होगा, चेंज जैसे था वैसे रहेगी फिजियोलॉजी। There is no as such, there is no change in the physiology, but what you will see that when you spray this nano urea and if you will measure the chlorophyll content after 3 days, after 7 days, you will see there is an incremental change in the chlorophyll content. The chlorophyll content will be more. If you will analyze the carbohydrate contents, protein contents in the leaf cell, you will find that is the more. Because the reason is when these nanomaterials are being added, they help plants not only for the nutritional perspective, but also from the plant immunity perspective as well, and also act as a cofactors for various enzymatic activities. So it helps plant in a like multiple ways. Thank you, sir. वेस्ट त्रिपुरा से है, व्हाट इज द यूज एफिशिएंसी? हमने पहले बताया 86% एवरेज यूज एफिशिएंसी। ओके सर, मार्केट में कब आएगा? जुलाई के पहले हफ्ते में आपके यहाँ भेज देंगे। थैंक यू सर, बिकॉज दैट इज ये असम का क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम में ये फिट होगा कि नहीं? बिल्कुल फिट होगा, अभी तो ट्रायल असम के ही बताए थे त्रिपाठी साहब ने। Can it be used in Erica plant, और सुपारी का जो पेड़ होता है? If so, how much? किसी भी फसल में अजीत जहां नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है ये सर, उनका, हो सकता है। उनका क्वेरी है, if so, how much quantity do we use and how many times per year? अब सुपारी का तो पौधा बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है, लंबा होता उसमें है, कैसे स्प्रे करते हैं ये व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। मात्रा का हमने जो सोल्यूशन बताया सर, तो अगर पौधा बड़ा है तो 2.5 ml की जगह 5 ml भी 1 लीटर में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे पौधों में जो बड़े हैं जहाँ पे स्प्रे मुश्किल से होता है, कठिनाई होती है, वहाँ 4 ml का भी 4 ml पर लीटर के हिसाब से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। Then, are there any demerits? डिमेरिट्स इसकी सबसे यही है कि अगर आपने स्प्रे किया पानी बरस गया तो धुल जाता है तुरंत, बाकी कोई डिमेरिट नहीं है। इज इट रिकमेंडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग सर? दिस इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ये मैं हाँ तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
अगेन वही है, ऑर्गेनिक वाला काफी क्वेश्चन आया है। ऑर्गेनिक में करके देख लो आप, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां कहीं सप्लाई करते हो वहां सप्लाई भी करो, और सबसे अच्छी बात है कि 2 ग्राम एक स्प्रे में 1 एकड़ में, और वो भी सारे कंपोनेंट ऑर्गेनिक हैं। खाली प्रोसेस थोड़ी सी उसमें केमिकल है, या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें थोड़ा केमिकल है, वो भी कुल मिला के 2 ग्राम मात्र है। बाकी सब पार्टिकल साइज वाइल सरफेस एरिया और इसका सबका कमाल है उसमें। इन क्रॉप साइकिल 2 टाइम्स अप्लाइड एट व्हिच स्टेजेस, ये भी किसान बहुत अच्छी तरह जानता है। जब आप यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हो, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के स्थान पर आप स्प्रे कर दीजिए। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की संस्तुति भी क्रिटिकल स्टेजेज में है, जो वृद्धि की अवस्था है पहले या पुष्पावस्था के आसपास, सभी फसलों में। किसमें कब आती है आप देख लो। जी सर, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ नैनो यूरिया इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन यील्ड एज कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल यूरिया? बहुत ज्यादा यील्ड बढ़ने का भी आंकड़ा सुना नहीं आपने? यील्ड स्टेज जो एवरेज पूरे देश में नापा गया वो 8% है। इन योर कंडीशंस क्रॉप वाइज बताया है कि पोटैटो में 13% और राइस में 15% यील्ड बढ़ता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय लीफ ऑब्लिक प्लांट? हाँ डॉक्टर डालिया, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रेज्ड बाय सम साइंटिफिक पर्सन, सो साइंटिफिक पर्सन। यस प्लीज। चार कॉलेजेस का डीन साहब भी जुड़ा हुआ है सर। हाँ नहीं ऑफ कोर्स it will readily absorb as soon as we apply on the plants, it will readily absorb by the plants like within 30 minutes to 2 hours. It depends on the plant type and plant age, but it will be readily absorbed. As relative humidity is higher in Assam, will it affect the foliar absorption of nano urea? No, it will not affect. Okay sir, thank you sir. Like it can better absorb from, like it has been tested in the relative humidity from 30% to 95%. So relative humidity will not affect. Somebody is asking about sir organic certification that has been already cleared. Sir, मुझे जोगिंदर जी मुझे kindly इजाजत दीजिए, मेरा 12:30 में दूसरा एक meeting है, तो मैं अभी आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। Thank you, sir, we'll just conclude. I am going to offer the vote of thanks. I sincerely offer my vote of thanks to Dr. B.C. Deka, sir, for sparing his valuable time. Dr. Tripathi ji, उन्होंने भी बहुत उनका जो tight schedule है उनमें से हमें ये समय दिया. Then I must thank Sri Yogendra Kumar ji, our honorable marketing director, for guiding us and sharing his valuable moment for this session. To Dr. Ramesh Ralia sir for his valuable guidance. All the viewers and audience, jisme hamara Assam Agricultural University ka associate director research, then College of Agriculture Jorhat ka honorable dean, College of Agriculture Bishwanath Chariali ka honorable dean, Sarat Chandra College of Agriculture ka honorable dean, then principal from Tripura College of Agriculture, most of the heads from all the 90 KBKs belonging to northeastern states, and some of their SMS and scientists are also involved. They are witnessing the live streaming, and some researchers and students are also viewing the program. Along with that, सर आपको पता होगा कि हम लोग का यह जो किसान है ज्यादा का ये एंड्रॉइड वर्सन का मोबाइल नहीं है, तो हम लोग जो रिटेलर्स फुटकर विक्रेता और होलसेलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि एक एक जामवागा में 10-10, 15-15 किसानों को जुड़ के ये प्रोग्राम जो है विटनेस कराए दिखाए, एंड दैट हैज प्रोबेबली बीन डन बाय मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स इन द स्टेट। सो आई सिंसियरली ऑफर माई थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, एंड हमारा इफको नॉर्थ ईस्ट और पूरे इफको का पूरा टीम इंक्लूडिंग द आईटी टीम जिसने ये हमें बैकअप दिया ये प्रोग्राम सफल तरीके से करने के लिए, सभी के ऊपर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जरूर उम्मीद रखूंगा कि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए जो सेशन आज रखा गया था काफी
वैल्यूएबल्स ये पैनलिस्ट्स ने इतना कीमती समय यहाँ दिया, तो इसका जरूर आगे जाके बहुत फायदा सभी किसान भाइयों को मिलेगा, हमारा रिटेलर्स एंड सोसाइटी डीलर जो भी है सभी को मिलेगा। और हम जरूर आग्रह करेंगे कि ऐसा सेशन जो है आने वाला दिन में भी हम लोग और कर पाएंगे। विद दैट होप आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन विथ थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल द पैनलिस्ट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। कुछ सवाल बचे हुए जी तो कर ले, अभी कोई दिक्कत नहीं मुझे सर, सवाल रिपीटेशन कुछ है नहीं, अभी अभी आपने नहीं बताया। देखिए एक आदमी पूछ रहा है सर कि नैनो यूरिया कैन बी अप्लाइड, ये पूछ रहा है। देखो पंजल कुमार कमन, एप्लीकेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज्ड ब्राउन स्पॉट डिजीज, डज नैनो यूरिया आल्सो डू इट सेम थिंग? देखा आप छोड़ गए, डॉक्टर आलिया बताइए। No, there won't be like any kind of leaf burning sensation from nano urea. इसका जो mechanism टेक का है इतना बढ़िया है ना कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, और बल्कि कोई डिजीज और इंसेक्ट को होने में भी रोकेगा क्योंकि पौधा स्वस्थ होगा। जोगिंदर जी मुझे भी परमिशन दीजिए, अभी एक दूसरा आज वर्ल्ड मिल्क डे है तो उसके साथ कनेक्ट करना है।